गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, कंटिन्यू कर रहे हैं आज का लेक्चर। पिछली क्लास में बच्चों हमने तीन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी। द फर्स्ट वन वाज वेट बाय वेट परसेंट ऑफ योर सॉल्यूट एंड उसका रिलेशन देखा था हमने। आफ्टर दैट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ योर सॉल्यूट सेकेंड कंसेंट्रेशन टर्म सीखा था। आफ्टर दैट हमने थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म सीखा था, दैट वॉज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ये तीन टर्म हमने बेसिकली देखे थे। हमने समझा था आपका सॉल्यूशन क्या होता है। आप लोगों ने बोला था सॉल्यूशन जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो, उन दोनों से जो फाइनल मिक्सचर बनता है दैट इज द सॉल्यूशन। तो बच्चों जब उन दोनों से फाइनल मिक्सचर बन रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के ही फाइनल सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेट आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, ये रिलेशन को देख के आधे बच्चे गलती ये करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर वेट के लिए ये लागू है, ये वैलिड है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में होना चाहिए। वो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये तो वैलिड है डेफिनेटली, सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ये जो रिलेशन लिखा आपने, This is not valid. ये केवल और केवल वैलिड होता है कब? For ideal solution. Only for ideal solution. भाषण में आ रही है, लेकिन आपका क्या होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही ऐसा वैलिड है। अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल नहीं आता है। ये किसका केस बनता है, ये बनता है केस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो कहने का मतलब सिर्फ आप लोगों से यही है, आपको ब्लाइंडली ये बिल्कुल करेक्ट है एंड ये अगर आइडियल सॉल्यूशन हुआ तो वैलिड है, आइडियल नहीं हुआ, नॉन आइडियल हुआ तो वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप ब्लाइंडली मत लगा लीजिएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज नॉट वैलिड फॉर वॉल्यूम, ताकि आप मिस्टेक ना करें, दिस इज नॉट वैलिड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए ये वैलिड नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई? अब बात आती है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। बच्चों अभी आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, डेफिनेटली आई विल टेल। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, तो अब हम समझने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म, दैट इज योर मोलैरिटी। कल हमने क्लास में तीन कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे, ऑलरेडी बता चुका हूं। आज फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मोलैरिटी। सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म दैट इज द फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म इज योर मोलैरिटी, MOLARITY। इसको बच्चों कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है सुनिए बच्चों, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन द 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? इट इज डेफिनेशन, इसे परिभाषित ऐसे किया गया है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व और प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर LIT लिख रहा हूं, समझ में आएगा या पूरा एक दू, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन ऐसी है। तो क्या मतलब है बच्चों, आइए तो इसको फॉर्मूले में अगर हम कन्वर्ट करें, कैपिटल M है बच्चों, तो मिक्स मत करना, दिस इज कैपिटल M। क्या है, सॉल्यू नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, विद रिस्पेक्ट टू 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम लेना है वो भी इन लीटर, वॉल्यूम वो भी लीटर में लेना है, LIT लिख रहा हूं ताकि आप लोग
मिस्टेक ना करें। ये वॉल्यूम है किसका बच्चों? गलती से किसी और का वॉल्यूम मत ले लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर मोलैरिटी। यूनिट क्या बनेगी बच्चों? यूनिट ये बनेगी कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर, पर लीटर सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स आपके प्रेजेंट हैं, किसके? सॉल्यूट के। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आप लोग एग्जांपल से समझना चाहेंगे? श्योर, चलिए एग्जांपल बताते हैं। इससे पहले क्या करिए, इतना नोट कीजिए बच्चे। यहां से अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं सॉल्यूट के, तो मैं क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एम इंटू वी, एम दैट इज द मोलैरिटी इंटू वी, जो कि किसमें होगा? लीटर में। गलती मत करना। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कहां से आया आपको पता है? कहां से आया। सिमिलरली बच्चों एक और टर्म जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, मिली मिली मोल्स। मिली मोल्स आपके मिली मोल्स क्या होते हैं? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस कैपिटल एम इनटू वॉल्यूम। यदि आप एमएल में ले लेते हो तो आपके क्या आएंगे? मिली मोल्स निकल के आ जाएंगे। ये अलग से मैं एज ए रिलेशन इसलिए लिखा रहा हूं, बार बार इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। वन मिली का मतलब क्या होता है बच्चों? वन मिली का मतलब क्या होता है? वन मिली इक्वल टू 10^-3। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एमएल में लेते हैं तो आपके मिली मोल्स आएंगे, अगर आप लीटर में लेते हैं मोल्स आएंगे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो रिलेशन है ये है मोस्ट वाइडली यूज रिलेशन, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। दिखाऊंगा अभी एग्जाम्पल में। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट एम इंटू उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉल्यूशन के, डायरेक्टली मोल्स आ जाएंगे। दिमाग में अभी से बैठा लीजिए। एग्जाम्पल करना चाहेंगे? चलिए करते हैं एग्जाम्पल। पिछली क्लास में कितने एग्जाम्पल हो गए थे? आई डोंट नो। चलिए करते हैं ऐसे एग्जाम्पल। कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ, चलिए 20 ग्राम NaOH इन 800 ml, क्या इन 800 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्वेश्चंस देखिए और मतलब समझने की कोशिश कीजिए। 0.5 m मतलब इसकी कैपिटल M लिखा है, मींस मोलैरिटी दे दी, यानी 1 लीटर में 0.5 मोल्स हैं उसके। तो टोटल सॉल्यूशन 800 ml है, तो 800 ml में कितने होंगे? खत्म क्वेश्चन। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। अभी बोला था डायरेक्टली मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका? मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम लीटर में लोगे तो क्या आएंगे? मोल्स आएंगे। तो क्या ले रहा हूं मैं लीटर में, क्या लिखूंगा इसे? 0.8। कितने आ गया? 85 जा 40.04। ये क्या आ गए आपके? मोल्स। मिली मोल्स अगर आप निकालते हैं तो क्या करते हैं? इंटू इसको या 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट 800 ले लो। बात समझ में आ गई? तो पहले ये 20 ग्राम को रब कर दीजिए, ये डिटेल आपको नहीं दी है, आपको यही निकालना है। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट मास ऑफ NaOH इन 800 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m। बात समझ में आ रही है? तो क्या दिया है? सॉल्यूट के मोल्स आपके निकल गए। अब इसका मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इसका सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो मास ऑफ NaOH कितना निकल जाएगा बच्चों? मास क्या होता है? मोल्स अगर आपको पता है और मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास 23 + 16 + 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 4 × 4 = 16 कितना आया? 1.6। चेक कीजिए, चेक कीजिए 10^-2 4 × 4 = 16 ठीक है, ये आ गया इतना ग्राम आपका NaOH। दिस इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत हवा लगी? शो क्वेश्चन अपडेट कर लीजिएगा।
चलिए बच्चों ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाए चीजों से। आइए देखिए इसी क्वेश्चन का जैसा एक और एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे आपसे बोल रहा है सुनिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH मोल्स ऑफ 20 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी आइए बच्चों बच्चे क्या करते हैं, आपसे मोल्स पूछा है, क्या करते हैं 20 ग्राम 200 ml में है तो मोल्स कितने होंगे, पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। बच्चों 20 ग्राम NaOH दिया है, मोल्स कैसे निकालते थे, इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया, आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम से तो मतलब ही नहीं है मोल्स निकालने के लिए, तो ऐसी गलती बहुत बच्चे करते हैं, वॉल्यूम ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है, क्या होता है कितना वेट है अपॉन उसका मोलर मास कितना है, Na अभी निकाला था 40, तो कितने आ गया बच्चों 0.5 मोल्स, दैट्स ऑल, पहला आंसर तो आपका आ चुका है। आइए अब देखिए, हाँ सॉल्यूशन इसकी जरूर जरूरत पड़ेगी अगर आप मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी निकालने में ये 200 ml की जरूरत इसलिए पड़ रही बच्चों क्योंकि मोलैरिटी डिफाइन ही है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने मोल्स हैं, यानी मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब आप इसे यूज करेंगे, मोलैरिटी क्या होता है देखिए, कैपिटल M क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.5 है पर लीटर सॉल्यूशन, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2, क्या आ गया 5, दिस इज द राइट आंसर। तो क्या आप लोगों को हवा लग रही, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है शो, चलिए नोट कीजिए बच्चों यहां पे क्या लिखा है 0.5 m, इसका मतलब क्या है मोलैरिटी कितनी है आपकी 0.5 है, इसको इंटरप्रेट करेंगे इस डेटा को, इसका मतलब क्या है 0.5 मोल्स प्रेजेंट है मेरे 1 लीटर सॉल्यूशन में, इज इट क्लियर। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड टर्म बीच बीच में आते रहते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उनका मतलब क्या है, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आइए समझिएगा स्टैंडर्ड टर्म्स, हेडिंग डाल सकते हैं स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड टू किसे मोलैरिटी। आइए समझिए बच्चों, कहीं पे मोलैरिटी लिखा हो, कहीं पे मोलर लिखा हो, इतना मोलर, मोलर का मतलब बच्चों होता है एम, बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात करें सेमी मोलर का मतलब होता है बच्चों m/2। सिमिलरली डेसी मोलर कहीं पे लिखा आ जाएगा आपका, डेसी मोलर कहीं पे लिखा आ जाएगा, डेसी मोलर का मतलब होता है बच्चों m/10। वैसे ही सेंटीमोलर लिखा आ जाएगा बच्चों कहीं पे, सेंटीमोलर, तो आप इसका मतलब होता है m/100। सिमिलरली मिली मोलर कहीं पे आ जाएगा, इसका मतलब होता है बच्चों m/1000। इसका क्या मतलब है, अगर बच्चों आप इनका मतलब नहीं जानते होंगे, सेंटीमोलर दिया है आपको, गया आप क्वेश्चन ही प्रोसीड नहीं कर पाओगे, तो इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ इसको दूसरे टर्म में देख लेते हैं, इसका मतलब मोलैरिटी आपको 1 दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब फर्दर क्या लिख सकते हो, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 5 10 यानी 0.5 m बोल सकते हो, या m = 0.5, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हो गया 0.1 m,
क्या हो गया 0.1। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया 0.01। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, m इक्वल टू पॉइंट कितने जीरो आएंगे 0.01। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स है कुछ जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो बार बार आपके न्यूमेरिकल में कभी भी किसी फॉर्म में भी प्रकट हो सकते हैं, और आप उनको प्रकट होते हैं तो उन्हें प्रणाम कीजिए और खुश हो जाइए क्योंकि आपको वो इंटरप्रेट करने आते हैं। चलिए इतना अगर आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन करें। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। आइए लिखिए एग्जाम्पल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, चलिए मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ किसकी, ऑफ कोर्स डेफिनेशन दी होगी, ऑफ किसकी NaOH, ऑफ NaOH आपको डिटेल दी हुई है। क्या दी हुई है? इफ वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया हुआ है 60, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी है 1.1 ग्राम पर ml। यह डिटेल आपको दी हुई है। इज इट क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है मोलैरिटी निकालिए। अब बच्चों आपको अगर डेटा इंटरप्रेट, डेटा एक्सट्रैक्ट करना अगर आता है गिवन इंफॉर्मेशन से, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए डील करते हैं कैसे करेंगे। मेरे पास ये दोनों चीज दी हैं और मुझे निकालनी है मोलैरिटी, यानी मुझे इस डेटा को इंटरप्रेट करना है। आइए करते हैं। वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू 60 दिया है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है, यहां पे लिख रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू 60, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज इफ 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, इफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ठीक है, तो उसमें आपका क्या सॉल्यूट कितना होगा बच्चों 60 ग्राम। सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्यूट 60 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आपको पता है। इज इट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुका है बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 60 ग्राम, सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लें तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बच्चों किसमें आएगा, सब कट कूट के ये ml में आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो आपको किससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.1 × 10। क्यों आएगा आपको पता है, अब ये आ गया लीटर में। इज इट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। आइए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकते हैं 11 ही लिख सकते हैं, तो आपका क्या आ गया 11 × 1.5। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। कितना हो गया 11 × 15 कितना हो गया 15 × 5 = 165, तो क्या आ गया 116.5। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी मोलैरिटी आ चुकी है। अब इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए बच्चों। इसका मतलब है इतने मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका है NaOH की बात कर रहे हैं। तो बच्चों तो यहां पे कुछ नहीं था, आपको डेटा इंटरप्रेट करनी अगर आती है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में हो सकता था यदि आपको एक रिलेशन पता होता, एक फॉर्मूला पता होता। तो आइए देखते हैं वो रिलेशन क्या है, यहां पे लिख करते हैं। चलिए सेकंड मेथड क्या है बच्चों, जस्ट एक फॉर्मूला है क्या, मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ W/W वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, 10 × weight by weight % × density डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस अब देखिए 10
इंटू वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया है 60, इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1.1, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, ये बन गया 1.5 मतलब बन गया 1.5 इंटू 1.5 यानी 15 इंटू 1.1 यानी ये हो गया आपका 15 इंटू, देखिए वही चीज आई है, ये आ गया आपका 16.5। इस प्रकार आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्या आपको समझ में आया? अब बात यह है, जब ये एक लाइन में मेरा आंसर आ सकता है तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को अगर याद रख सकूं तो याद रखूं। अब बच्चों, याद कराने से पहले डेफिनेटली ये रिलेशन कैसे आता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वेट बाई वेट परसेंट, इज इट क्लियर? चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन किस चीज का बच्चों? डेरिवेशन ऑफ मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वेट परसेंटेज क्या होता है, 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। इस प्रकार आपकी मोलैरिटी निकल के आती है। अब बात यह है, ये रिलेशन आता कैसे है? कुछ नहीं, जो हमने क्वेश्चन में किया वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन में हमने क्या किया, डेटा इंटरप्रेट किया, वही चीज हम करने जा रहे हैं। आइए देखिए, देखिए आइए लेट अस सपोज बच्चों, आपको दिया हुआ है वेट बाई वेट परसेंट, आपको एक्स दिया हुआ है। क्या मतलब है इसका, आपको बोल देगा एक्स परसेंट वेट बाई वेट, यानी आपने ये एक्स मान लिया। लेट अस सपोज, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इफ यदि वेट ऑफ सॉल्यूशन, SOL जब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यदि 100 ग्राम है, उसमें आपका जो क्या सॉल्यूट होगा वो कितना होगा, x ग्राम। कितना होगा, x ग्राम, यही तो मतलब होता है। जैसे मुझे सॉल्यूट का वेट पता चला तो मैं क्या इसका मोल्स निकाल सकता हूं सॉल्यूट के, डेफिनेटली डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का ही। ये मोल्स आ गए। अब बात ये आती है, मुझे वेट सॉल्यूशन का पता है, अगर मुझे डेंसिटी भी पता हो तो क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता हूं सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब ये डेंसिटी आपको पता है किसमें है, ग्राम पर एमएल में है, ग्राम पर एमएल में है, लिख लें क्या, अगर आप ये चाहते हैं ये किसमें आया, एमएल में आया वॉल्यूम, ml। अगर आप चाहते हैं ये लीटर में आए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी आपका लीटर में आ चुका है, तो ये क्या हो गया, असल में ये आ गया आपका 1/10 इंटू डी लीटर आ चुका है, LIT। बात समझ में आई? अब मैं लीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं बच्चों मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि 1/10 d है, और 10 d किसमें है पता है आपको। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाय m सॉल्यूट। अब बच्चों x क्या है, आपको पता है x है वेट बाई वेट परसेंट, तो मेरा फॉर्मूला निकल गया 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई, याद कीजिए अभी एक प्रॉब्लम हमने एग्जांपल करी थी उसमें डायरेक्टली मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था। बच्चों एक और बात आप लोग जानते हैं, कल प्रीवियस क्लास में हमने एक चीज सीखी थी, क्या ये एक स्पेशल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी तो बोलते हैं 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। बात समझ में आ रही, कुछ याद आ रहा है, भूल गए, m सॉल्यूट, एक और रिलेशन आ गया। अगर आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो इसको यूज कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन खत्म कीजिए। काफी बच्चे तो सोच रहे हैं, अरे सर ये अचानक ये कहां से लिख दिया, अरे प्रीवियस क्लास तो अटेंड कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वेट बाय वॉल्यूम को, अगर आपने वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करते थे, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास यहां पे आएगा इनटू डेंसिटी, मास नीचे आ गया इनटू डेंसिटी, दैट्स ऑल एक लाइन का। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? श्योर बढ़े आगे,
चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द सेम रिलेशनशिप। क्वेश्चन है आपका, नोट करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 2m, इसका मतलब समझ आता है 2m CH3COOH सॉल्यूशन। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर ml। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? श्योर? तो अभी फॉर्मूला बताया था, निकालिए फटाक से। m की वैल्यू दी हुई है और आपको ये पूछ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। आइए निकालिए वेट बाय वेट परसेंट। यहां से कितनी दी है मोलैरिटी, 2 दी है, 10 फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं। वेट बाय वेट परसेंट मुझे निकालना है, ठीक है, इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 0.9 एंड डिवाइडेड बाय क्या, सॉल्यूट का मोलर मास। कैलकुलेट कीजिए बच्चों कितना आएगा। कार्बन होता है 12, 13, 14, 15, 12, 2, 24, 25, 26, 27, 28 प्लस 16, 2, 32 कितना हो गया 9, 10 कितना हो गया 30, 60। तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो यहां से मेरा वेट बाय वेट परसेंट निकल चुका है बच्चों 6, 2, 12 120 डिवाइडेड बाय 9 कैंसिल होता है, बिल्कुल 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 40/3 मत कीजिए इससे ज्यादा सॉल्व। आ गया आपका आंसर, दैट्स ऑल। अगर बच्चों आपसे एक और क्वांटिटी पूछी है लो, वो कौन सी बड़ी बात है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, 60 × 120/10 क्या हो जाएगा 12। अरे वाह इंटरप्रेट क्या कर रहा है ये लगभग कितना हुआ 13 13.17। तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, 13 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम के हिसाब से कितना आ रहा है 12, और 1 लीटर वॉल्यूम है, यानी हम बात चेक कर रहे हैं तो 12 moles आ रहे हैं, सॉरी 12 ग्राम सॉल्यूट का वेट आ रहा है, और यहां 13 ग्राम आ रहा है। अगर 100 ग्राम उठा के देखें उसी का, उसी सैंपल का, उसी सॉल्यूशन का, क्या आपको इतनी बात समझ आई? श्योर? तो बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।